जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये नौशाद साहब का यूनिट है स्पेशल 130 वोल्ट वाला, ये तमीगेड़ा शहर है नौशहरा का, अगर स्पेलिंग में या नाम लेने में गलती है तो माजरत, नौशहरा वाली साइड के ऊपर ये जा रहा है, ये स्पेशल 130 वोल्ट वाला स्टेबलाइजर है, इसको जब हम ऑन करेंगे इसका फंक्शन समझें, ऊपर वापडा के वोल्टेज आ रहे हैं 228, ये नीचे 3 मिनट का टाइम लगा हुआ है 180 सेकंड का, जब स्टेबलाइजर को हम ऑन करेंगे ये बताएगा कि ये कितने वोल्टेज तक काम करेगा। ये देखें जी, ये मैंने इसको ऑन किया है, इधर ये बता रहा है 130 वोल्ट, उसके बाद है 180 सेकंड का टाइम, ठीक है। अभी ये 3 मिनट तक ऑन होता है, फिर मैं आपको इसकी जो ना वीडियो बना के देता हूँ, बैक साइड भी इसकी चेक करें, इसमें 2 पिन शू भी लग जाएगा, 3 पिन शू भी लग जाएगा, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास 2 पिन शू है, अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये शू काफ़ी टाइट लगता है, अभी मैंने पूरा इसको अंदर नहीं वैसे हटा दिया, शू टाइट लगेगा, 3 पिन शू भी लग जाएगा, लोड मैंने लगा दिया, अभी ये इधर सिफर होता है ना, ये 10 सेकंड रह जाते हैं तो मैं वीडियो दोबारा चालू करता हूँ, अभी मैं वीडियो रोक देता हूँ, 140 सेकंड रह गए हैं, ये काम हो रहे हैं, 0 तक आने दें इसको, मैं देता हूँ आपको वीडियो। इधर भी वापडा का बॉडी है, देखें ये दियो है, मैंने सारी आपको चेकिंग करवानी है, हर चीज़ इधर ही चेक करवाता हूँ। अभी ये इसका 100 सेकंड रह गया है, कम हो रहे हैं, नहीं जी ये अभी 50 सेकंड इसके रह गए, ये मीटर इसके ठीक है, कैमरे में ऐसे जगमग हो रहे हैं लेकिन मीटर इसके बिल्कुल ठीक है, चलने में सही है, देखने में सही है। नहीं जी अभी इसके ये 14 सेकंड रह गए हैं जी, ये अभी ऑन होने लगा है, इधर वापडा के वोल्टेज दिए गए हैं, ये इधर अभी ये ऑन होने लगा है, 4 3 2 1 0 ये ऑन हो गया, हल दे यार चाचू नू देखा, 500 वाले 2 चलूंगे चाचू जी, 500 वाले भी है, आ देखिए यार। अच्छा जी, ये अभी सबसे पहले इसके हाई वोल्टेज चेक करें, ये इसने ये ले जी, ये 250-260 को इसने कम कर दिया, अभी वोल्टेज मजीद कम हो रहे हैं, ये 220 इसने टिक कर दिया, 190 170 160 140 ये सर हो गए 130, ये इधर भी देखें 130 हो गए, ये देखें जी इधर 127, 2-3 वोल्ट का फर्क है। खैर अभी ये देखें जी, ये बल्ब चल रहा है, ये स्टेबलाइजर आउटपुट के ऊपर लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, अभी पीछे से जो करंट आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये करंट आ रहा है जी पीछे से, ठीक है, ये करंट ये 130 वोल्ट आ रहे हैं और ये स्टेबलाइजर उसको बना रहा है फुल, ये स्विच मैंने पूरा नहीं लगाया क्योंकि आपका फ्रिज का स्विच लगेगा ये टाइट हो जाएगा, ये नहीं जी ये 220 पूरे बना रहा है, ये बिजली पीछे से आ रही है, ये कम लाइट आ रही है उसको, ये आपका स्टेबलाइजर पूरा बना रहा है, 130 से भी को 5-10 वोल्ट कम हो जाएंगे फिर भी कोई मसला नहीं, ये उधर तक भी चलेगा, नहीं जी 117 110, ये हो गया 100 और ये बंद हो गया, ठीक है, ये लो लिखा आ गया, 100 के ऊपर बंद हो जाएगा, ऐसे जब 280 होंगे तो भी बंद हो जाएगा, उधर लिखा आएगा हाई, अभी लो लिखा आ रहा है ना LO, फिर लिखा आएगा हाई, जब वापडा के वोल्टेज आपके नॉर्मल होंगे, कम हो या ज़्यादा हो, जब वापडा के वोल्टेज नॉर्मल होंगे ये खुद ही ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, लेकिन 3 मिनट का टाइम हर मरतबा लगाएगा, अभी ये लो वोल्टेज से जब इसके वापडा के वोल्टेज 130-137 हुए हैं, इसने 3 मिनट का टाइम लगाना है, 180 सेकंड के बाद इसने ऑन खुद ही हो जाना है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ले जी ये नौशाद भाई का यूनिट 130 वोल्ट वाला, उसकी चेकिंग करवाई गई है नौशहरा वाली साइड के ऊपर, ये जा रहा है अलग स्पूर्ट, इसको पैक कर रहे हैं, इसकी अच्छे तरीके से पैकिंग करके तस्वीर आपको देते हैं जी।